गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.5। जो 3.5 है इसमें हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है x माइनस 3y माइनस 3 3x माइनस 9y माइनस 2। ये दो इक्वेशन हैं हमारे पास। हम इन दोनों इक्वेशन से a1 a2 a1 की वन वैल्यू है, अब b1 की और a2 यहाँ पे a2 की वैल्यू 3। जो x वाला होगा वो a1 के साथ जैसे इसका एक जनरल इक्वेशन रहता है वो हमारे पास a1x b1y एंड c1 इक्वल्स टू। हम इसी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे a1 की जगह क्या था 1, b1 की जगह माइनस 3, c1 की जगह माइनस 3, वैसे ही अगेन a2 की जगह 3, b2 की जगह माइनस 9 एंड C2 की जगह माइनस का 2। अब यार ये राइट करने के बाद हमें राइट करना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ये राइट किया तो हमें अब वैल्यूज पुट करने हैं 1/3 इक्वल्स टू माइनस 3/ माइनस का 9 एंड माइनस 3/2। ये माइनस तो माइनस से माइनस कट गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9। 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 3/2 नॉट इक्वल्स टू। ये वाले क्वेश्चन में हमने जो लास्ट तक पहुंचा दिया, अब हमें जो राइट करना है वो हमारे पास है। अब जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जब लास्ट वाले दो बराबर नहीं होते हैं तो नो सॉल्यूशन होता है उसका, नो सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया। थैंक यू।